नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आज वापसी हुई है यूट्यूब पे। सोशल मीडिया का ज्ञान कितना करे कल्याण, अब बात करते हैं इसी विषय पे कि सोशल मीडिया का ज्ञान वाकई में लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। देखिए, ज्ञान तो जहाँ से भी मिले उसको बटोर लो, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको टटोर लो। अब थिंग्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और कई लोग उसी को सच मान लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ आपको, जैसे एक एग्जांपल देते हैं टाइपिंग का। अब सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस हैं आपके कि 6 दिन में टाइपिंग सीख लें, 2 घंटे में टाइपिंग सीख लें, 4 दिन में टाइपिंग सीख लें, तो वीडियोज़ में मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो बच्चा सोचता है कि वाकई में यार 6 दिन में, 4 दिन, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 4 दिन में, 1 दिन में टाइपिंग सीख सकता है। बच्चा कोशिश भी करता है, कहाँ तक बच्चा सफल हो पाता है आज हम इसी का करेंगे इंक्वायरी। देखिए, मेरे पास में हाल फिलहाल में 2-3 बच्चे ऐसे आए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुना कि भाई टाइपिंग 6 घंटे में हो जाती है, 4 घंटे में हो जाती है। बच्चा यहाँ पे आके जो है प्रेशर में आ जाता है, बोला मैं तो पिछले 1 महीने से डेली 1 घंटा टाइपिंग कर रहा हूँ और ये तो टाइपिंग में तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, क्या हो रहा है। तो सोशल मीडिया का ज्ञान उनको जो है मेंटल प्रेशर को बढ़ा देता है, क्योंकि गलत ज्ञान, क्योंकि देखिए भाई ऐसा है सोशल मीडियाज में जो भी वीडियोज़ डालते हैं वो डालते हैं, आप उनको देखते हो करते हुए, उनने बहुत कड़ी मेहनत की होती है। उनको ये पूछो कि आपने टाइपिंग कितने साल में सीखी, कितना टाइम आपको लग गया और इतनी स्पीड आने में आपको कितना टाइम लग गया, वो कभी हकीकत नहीं बताते आप लोगों को कि भाई मैं तो पिछले 5 साल से लगा हुआ हूँ यार, मैं तो पिछले 5 साल से वीडियो बनाने में लगा हूँ, मैं तो पिछले 5 साल से झूठ बोलने में लगा हूँ, अब जाके मेरा झूठ प्रोपोगेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर जो है आप तथ्यों को टटोलें। फिजिकल ग्राउंड पर टाइपिंग आप किसी भी हालत में 6 घंटे में नहीं सीख सकते हो। आप अपने मेंटल प्रेशर को ना बढ़ाएं। आपको 90 डेज का ड्रिल लगता ही लगता है अगर आप 1-2 घंटे डेली बैठते हो तो। 90 डेज आपका मतलब फिंगर सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पीड आने में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग टू, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस अकॉर्डिंग टू आपकी स्पीड बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं पे आप सोशल मीडिया का ज्ञान जरूर लें, लेकिन उसको टटोल लें, अपने मेंटल प्रेशर को ना बढ़ाएं। क्योंकि टाइपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए भाई पढ़ाने के लिए आप कोई भी चीज़ें पढ़ सकते हो। देखो, 1-1 घंटे में आपके पूरे पूरे लेसन खत्म हो जाते हैं आपके। आपने सोशल मीडिया में देखते होंगे, आप एक किताब को पूरा 1 साल पढ़ते हो और अगला बंदा जो है 2 घंटे की वीडियो में पूरी किताब पढ़ा देता है आपको। तो वो पढ़ना और सीखने में फ़र्क होता है, सीखने में टाइम लगता है। वो बंदा प्रोफेशनल, उसे पूछना तो जरा आपको उस चीज़ को सीखने में कितने साल लगे, उसको 1-2 घंटे नहीं लगे, 1-2 घंटे में तो आपको बता रहा हो। तो आप उस चीज़ को सच ना मान लें। टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम लगता है और टाइपिंग की वजह से आपका मेंटल प्रेशर ना बढ़ाएं। अब बाकी कोर्स में भी जो है आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि जो एक सिस्टमेटिक वे है उस वे से चलोगे तो तभी जाके आगे जाके आपका गोल क्लियर होगा, अदरवाइज आपका गोल क्लियर नहीं होगा। बाकी कुछ नहीं कहना, अभी बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था तो बच्चों ने बोला सर आजकल तो आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो इसलिए यही बताना चाह रहा था कि जो हाल फिलहाल में जो एक हमारे पास में 2-3 केसेज ऐसे आए, बच्चे जो है आते हैं और उनका प्रेशर बढ़ जाता है, बोला सर हमारी तो स्पीड बढ़ी नहीं रही है। 1 दिन करते हैं, 2 दिन के बाद बोलने लगते हैं सर हमारी तो स्पीड बढ़ी नहीं रही है, सर हमारे तो लेसन बढ़ नहीं रहे हैं, कैसे होगा। क्योंकि ये उन्हीं की देन है जो बोलता है कि 6 घंटे में टाइपिंग सीख लें, 4 दिन में टाइपिंग सीख लें। देखिए भाई, ज्ञान, फिर बता रहा हूँ, ज्ञान